तो अगर आप भी किराना दुकान या फिर जनरल स्टोर की दुकान शुरू करने वाले हो या फिर शुरू करने का सोच रहे हो तो रुक जाओ यार, क्योंकि किराना दुकान करने के बाद आप इन चार ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी, ऐसी समस्या के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको और आपकी जिंदगी को खराब कर सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको किराना दुकान के पीछे के सच के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके घंटी को जरूर दबा दो। सबसे पहला है ड्यूटी या समय। देखो भाई, किराना दुकान करने का मतलब है आपको 15 से 18 घंटे तक अपने दुकान पर समय देना है, या फिर आप कह सकते हो कि ड्यूटी देना है, क्योंकि किराना दुकान के खोलने का समय और बंद करने का समय सभी दुकानों से अलग है। क्योंकि मैं खुद अपनी दुकान को सुबह 5 से 6 बजे के बीच में खोल देता हूँ और रात के 10 से 11 बजे के बीच में बंद कर देता हूँ। दूसरा आता है त्योहार या छुट्टी। किराना दुकान करने के बाद अब छुट्टी नाम की चीज भूल ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि त्योहार के टाइम मतलब सीजन का टाइम, और ऐसे टाइम में किराना दुकान पर बिक्री ज्यादा होती है। तो ऐसे में आप दुकान बंद करके त्योहार मनाओगे तब भी आपका नुकसान है, और अगर आप त्योहार छोड़ दुकान खोलोगे तो आप अपने त्योहार को नहीं मना पाओगे। भाई ऐसा मेरे साथ भी होता है। तीसरा आता है दुकान के सामान को मैनेज करना। किराना दुकान करने के बाद आपको हर रोज प्रतिदिन अपने दुकान में ये 5 चीजें चेक करना पड़ेगा, जैसे कि कौन सा सामान खत्म होने वाला है, कौन सा सामान खत्म हो चुका है, किसको कितना रुपए उधार दिया गया है, किसका पैसा बाकी है, अब किसको उधार नहीं देना है। चौथा आता है दोस्ती या व्यवहार। देखो भाई, आपने किराना दुकान शुरू की है तो ऐसे में आपके जितने भी दोस्त यार हैं इन्हें आपको अपने व्यापार से दूर रखना है, क्योंकि भाई बिजनेस या व्यापार की या धंधा एक अलग चीज होती है और दोस्ती अलग चीज होती है। इसलिए आपको दोस्तों और व्यवहारों को अपने बिजनेस से अलग रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपना ध्यान रखिए।